माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विपक्ष के साथियों को अगले प्रोग्राम में जाना है, इसलिए वो बहाने ही ढूंढ रहे थे कि किस बहाने से जाया जाए। तो मैं वाजपेयी जी अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सम्मान के साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरे विशेष अनुरोध पर मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछले कई दिनों से बात उठाई जा रही है, प्रश्नों के जवाब दो। अब चले गए ये लोग, इनकी पार्टी के नेता ने भी कल बोला, अरविंद केजरीवाल जी आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं और देश के समक्ष रखना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी, मैंने भी, पार्टी के अन्य साथियों ने भी, सरकार के साथियों ने भी हर प्रश्न का जवाब दिया है, हर प्रश्न का। इनके प्रश्न नहीं बचे हैं, अब झूठ का जवाब दो। अब कह रहे हैं हम झूठ बोलेंगे, उसका जवाब दो। हम बोलेंगे 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, बोलो अब इसका जवाब दो। अरे झूठ का क्या जवाब देना है? फिर पूछ लेते हैं भाई 8,000 करोड़ का कहां हुआ, तो बोलते हैं नहीं नहीं वो हमारा पहला वाला तो झूठ था, सच ये 1,50,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर हम कहेंगे ये तो झूठ है, महाझूठ है, इसका क्या जवाब देना है? तो बोलेंगे नहीं नहीं 1,50,000 करोड़ का नहीं हुआ, 1,100 करोड़ का हुआ था। इन्हीं के नेता बोलते हैं ये, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जो कल जेपी नड्डा जी बोल रहे थे कि प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल जी, कौन से प्रश्न का जवाब दें? आपने बोला 8,000 करोड़ का घोटाला है, हमने कहा झूठ बोल रहे हो, महाझूठ बोल रहे हो। इन्होंने कहा 1,50,000 करोड़ का घोटाला हो गया, मैंने कहा बजट ही नहीं है दिल्ली सरकार का 1,50,000 करोड़ का, तो 75,000 करोड़ का बजट है, झूठ बोल रहे हो। फिर चुप हो गए। फिर बोले 1,100 करोड़ का घोटाला हो गया, मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, सारे प्रश्नों के जवाब दिए इनके। फिर बोले नहीं नहीं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, मैंने कहा यह भी झूठ है तुम्हारा, बकवास कर रहे हो। बोले हां बकवास कर रहे होंगे, चलो 30 करोड़ का है। बोले अपनी अपनी सारी बातों को खुद ही झूठ करते जा रहे हैं और हमसे कह रहे जवाब दो, सारे प्रश्नों के जवाब दिए। फिर बोले नहीं नहीं 30 करोड़ का भी नहीं है जी, सीबीआई में इन्होंने, सीबीआई तो इनकी है, सीबीआई से लिखवाया, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को बैंक में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, यह मनीष सिसोदिया का घोटाला है। हमने कहा झूठ है, किसी कंपनी ने किसी कंपनी को कोई पैसा दिया होगा तो वो मनीष सिसोदिया का हो गया, तो यह भी झूठ है इनका। सारे प्रश्नों के इनको जवाब दिए अध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाह रहा था कि सुनते ये लोग यहां बैठ के, मैं तो इनको बधाई दे रहा था कि जेपी नड्डा जी इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बार बार कहा प्रश्न करो, प्रश्नों के जवाब दो, प्रश्नों के जवाब दो। मैंने सोचा मैं बधाई दे देता हूं, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी बड़ी हो गई है और बड़ी होते होते देश की बड़ी पार्टी हो गई है, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। गुंडागिरी से शुरू हुई, गुंडागिरी करते करते दोस्तवाद पे आ गए, दोस्तवाद को करते करते ऑपरेशन लोटस और खोखा खोखा करने लगे, वहां से करते करते बधाई है इन लोगों को कि इनकी पार्टी है, बच्चा चोरी पे तक पे आ गई है, रेलवे स्टेशन पे सवारियों के सोए हुए बच्चे ये लोग चोरी कर रहे हैं, ये इसी लायक हैं, इसी के लिए बने हैं, इनको बधाई हो, अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं, अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं, नारकीय काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि मैं प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं, सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं अब तक, सारे प्रश्न इनके झूठे हैं, सारे प्रश्न इनके मनगढ़ंत हैं, कोई फैक्ट नहीं है। मैंने कहा कि आपने सीबीआई भेजी है, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं अपने घर में सीबीआई को वेलकम किया, मैंने कहा मैं पूरा सहयोग करूंगा, मेरा पूरा परिवार सहयोग करेगा, घर तलाश लो, कुछ मिले तो बताओ, जो सवाल पूछने पूछो। 14 घंटे तक मेरे घर में सीबीआई रही, 14 घंटे में जो उन्होंने पूछा, देखना चाहा देखा, पूछना चाहा पूछा, मैंने हर प्रश्न का जवाब दिया। जेपी नड्डा जी सीबीआई भेजी थी, उसी से पूछ लो। अगर मेरी बात यहां पब्लिक में समझ में नहीं आती है तो सीबीआई तो आपकी भेजी हुई थी, उससे पूछ लो भाई मनीष सिसोदिया ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया, जो यहां खड़े होकर दे रहा हूं वो वहीं दिया, क्या जवाब दें? जवाब तो सारे दे दिए। आप अपनी सीबीआई पर भरोसा नहीं कर रहे कि सीबीआई वाले आपको सच बताएंगे, सीबीआई वाले भी कह रहे हैं जी हम संतुष्ट हैं, इनके घर से कुछ नहीं मिला। सीबीआई वाले भी कह रहे हैं जी पूरा घर छान मारा, कुल मिला के मतलब छोटे से खर्चे के पैसे घर पे मिले, बीवी के छोटे से गहने, मतलब अभी मजाक कर रहे थे बाहर निकल के लोग, आज अभी मैं लॉकर से आ रहा हूं, इनको लग रहा था बहुत लॉकर में पता नहीं क्या क्या सामान होगा, क्या क्या सामान होगा, कुल मिला के 70-80 हजार रुपए का
उसमें गोल्ड के भी छोटा मोटा है, उसमें चेन भी है, उसमें बच्चा पैदा हुआ था मेरा 15 साल पहले, उसका झुंझुना भी है, वो सारा मिला के 70,000-80,000 रुपए आज की वैल्यू का सामान नहीं निकला। फिर जब इनका नहीं चला फिर झूठ, अब जवाब तो ये दें, कहां से झूठ बोलते हैं। इन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं वहां से चला, मैं बता के चला सारे मीडिया को कि मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे बैंक लॉकर का इतना इन्होंने हल्ला मचाया, बैंक लॉकर तलाशेंगे, उसमें से निकलेगा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मैंने सारा बताया, मेरे पास सारे सर्च मेमो है, क्लीन चिट मिली है मुझको। प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई मेरे घर पे भेज दी, वहां कुछ नहीं मिला प्रधानमंत्री जी की सीबीआई को। मेरे बैंक लॉकर में तलाश लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला कि मुझे कह सके ये भ्रष्टाचार कर रखा है, देखो ये पैसा कहां से आया, देखो ये सोना कहां से आया, देखो ये प्रॉपर्टी कहां से आई। क्लीन चिट है मेरे लिए सीबीआई की, प्रधानमंत्री जी की क्लीन चिट है। सीबीआई वाले भी मान रहे कि संतुष्ट है, बोले कुछ नहीं मिल रहा जी। और बेचारे कहते हैं दबे पांव की, जी देखो प्रधानमंत्री जी का दबाव बहुत है, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा, वैसे तो क्लीन चिटी है आपके यहां से जो कुछ दिख रहा है उसमें तो क्लीन चिटी है, पर 2-3 महीने के लिए तो बहुत दबाव है कि आपको जेल में डालना। मैं कहता हूं कह दो यार अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो डाल दो जेल में, इस देश के भले के लिए दो चार महीने जेल में भी रह लेंगे, कोई आफत नहीं है मुझको। मैं एक एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, इनके भी प्रश्नों का जवाब दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर जवाब दिए, सीबीआई के सामने खड़े होकर जवाब दिए, बैंक में लॉकर पर खड़े होकर जवाब दिए, अब कह रहे प्रश्न के जवाब नहीं दे रहे। हवा बना रखी है कि प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे। आज जब मैं चला वहां से बैंक से सीधे यहां आया हूं, बैंक लॉकर अपना रेड करा के, अपना लॉकर पूरा इंस्पेक्शन करा के, रास्ते में अब ये झूठ के पर नहीं होते फैलाना शुरू कर दिया मीडिया को, मनीष सिसोदिया के यहां से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, मनीष सिसोदिया के यहां से मैंने पूछा भाई कौन सी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, मुझे जो सर्च मेमो दिया है मेरे किसी बैंकर में नहीं, बैंक लॉकर में नहीं निकले, मेरे किसी सर्च मेमो में नहीं लिखे, ये कौन सी प्रॉपर्टी के दस्तावेज है जो हवा में क्रिएट हो रहे हैं। मैं मीडिया के साथियों को भी सदन के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, तथ्यों पर रहिए, ईमानदारी पर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरा साथ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा यहां बैठे लोगों का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, आपको मजबूरी में हमारा साथ देना, सच का साथ दीजिए। और सच्चाई की ताकत पर भरोसा है कि आप केवल सच के साथ खड़े रहेंगे। मीडिया वाले ये जो झूठ फैलाते हैं, मीडिया वाले से अभी सोर्सेस से प्लांट कराया, तुरंत 1-2 TV चैनल पर चलने लगा कि जी प्रॉपर्टी के कागजात निकले। मैंने कहा यार कौन से प्रॉपर्टी के कागजात निकल के, भाई मेरे सामने तो निकले नहीं लॉकर से, और मेरे सामने तो कहीं सर्च मेमो भी नहीं लिखे, सर्च मेमो मेरी गाड़ी में रखा है अभी, उसमें भी कहीं नहीं लिखे हुए कि जी प्रॉपर्टी के कागजात। ये बीजेपी वाले मीडिया को कौन से कागजात दे रहे हैं, कौन सी सीबीआई और घूम रही है, इसके भी जवाब पूछेंगे इनसे। तो अध्यक्ष महोदय इन्होंने सारी जांच करा ली, पहले लिकर शराब चिल्लाते रहे, जब शराब में कुछ नहीं निकला तो अब थोड़े दिन पहले से 3-4 दिन पहले से स्कूल चिल्लाने लग रहे हैं। स्कूल में क्या कह रहे हैं, बोले केजरीवाल जी ने पहली मीटिंग में कहा था 4,000 कमरे बनाएंगे, 8,000 कमरे क्यों बनवा दिए, भ्रष्टाचार कर दिया। अरे हमने तो 8,000 नहीं 20,000 कमरे बनवाए हैं, और हमें फक्र है कि हमने बनवाए, और लानत है तुम लोगों पे जो सोचते हो स्कूल बनवाना और कमरे बनवाना भ्रष्टाचार है। 8,000 कमरे बनवा दिए, बोले जी 8,000 क्यों बनवाए, 4,000 बनवाने चाहिए थे, ये तो भ्रष्टाचार है। फिर बोले जी टॉयलेट ज्यादा क्यों बनवा दिए, बोले पहली फ्लोर पे टॉयलेट था, दूसरी पे क्यों था, तीसरी और चौथी मंजिल चलो बना भी ली तो उस पर टॉयलेट क्यों बनवा दिए, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, ज्यादा टॉयलेट बनवाना भ्रष्टाचार है, ज्यादा कमरे कहने भ्रष्टाचार है, सारी चीजों के जवाब हैं। फिर जब वो भी नहीं चला तो कल इन्हीं की सीबीआई है, इन्हीं के एलजी है, इन्हीं के समय एलजी साहब की तरफ से एक फरमान जारी किया, बच्चे कम हो गए ये भ्रष्टाचार है। बोले स्कूल में बच्चे कम हो गए, बजट बढ़ रहा है, अरे बजट बढ़ा रहे हैं हम फख्र के साथ कहते हैं, और ये विधानसभा शायद देश की पहली आजाद इतिहास में, आजादी के इतिहास में 75 साल में पहली विधानसभा है जो पिछले 7 साल से अपने बजट का 25% बजट एजुकेशन पर देख देती है इस विधानसभा के। और विपक्ष वाले भी कहते हैं कि जी बहुत गर्व है कि हम एजुकेशन पे इतना बजट पास करके देते हैं, कहते हैं बजट ज्यादा कर दिया भ्रष्टाचार हो गया। फिर बोले नहीं नहीं बजट तो चलो ठीक है ज्यादा कर दिया, बच्चे कम हो गए। मैंने कहा यार जरा डेटा दिखाना मुझको, भारत सरकार की वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 2014 में 2015 में
यहां 14.5 लाख बच्चे होते थे दिल्ली के स्कूलों में, आज 18 लाख बच्चे हो गए। सारा डिटेल भारत सरकार की वेबसाइट पे। हवा में से कुछ लाते हैं, फिर कहते हैं प्रश्नों के जवाब दीजिए। अब झूठ के पैर हैं क्या? आपके झूठ का भी जवाब दिया हमने कि झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि आपने खूब रेड मचाई मेरे घर में, खूब तमाशा किया। आपकी सीबीआई के भी सारे प्रश्नों के जवाब दिए, आप सीबीआई से पूछ लो, आपको मेरे प्रश्नों के जवाब मेरे उससे मिले हों, मैंने बता दिया। कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं है, और सब बकवास है, सब झूठ है। फिर भी रोज खड़े होकर कहते हैं जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमने तो आपके एक एक सवाल का जवाब दिया, अब आप हमें जवाब दो। ये सदन कल से पूछ रहा है बार बार, इस सदन में बार बार उठ रहा है, देश में पूरा सवाल उठ रहा है। मैं प्रश्न पूछता हूं और जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जवाब दो कि प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही पे भी जीएसटी लगा के इतना पैसा सरकार में कमवाया, आम जनता से इतना पैसा लिया प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही जैसी चीजों पे भी, बिस्किट पे जीएसटी लगा के, आम आदमी के चाय बिस्किट पे भी जीएसटी लगा के जितना पैसा कमाया उसको अपने दोस्तों के कर्ज माफी करने में क्यों लगाया, इसका जवाब दो। ये देश इस हालत में क्यों पहुंच गया कि दूध दही और चाय और बिस्किट पे भी जीएसटी लगेगा और उस जीएसटी से इकट्ठा पैसा प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे माफी में इस्तेमाल होगा, ये क्यों हुआ, इसकी सीबीआई जांच कराओ, इसका जवाब दो। कि लोगों के दूध दही चाय बिस्किट पे टैक्स लगा लगा के इकट्ठा किया गया जीएसटी का पैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्तों के कर्ज माफी पे क्यों खर्च किया, इसका जवाब दो। आज इसका जवाब दो, हमने तो आपके सवालों के जवाब बहुत दिए हैं। ऑपरेशन लोटस आप लोगों ने किया, ऑपरेशन लोटस में पूरे देश में एमएलए खरीदे, हमारे यहां भी खरीदने की कोशिश नहीं की लेकिन बिके नहीं, लेकिन रेट पता चल गए। इसी रेट के हिसाब से भी अगर देखें तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने पे खर्च किए हैं। ये 6300 रुपए कहां से आया जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी, इस बात का जवाब दो। सीबीआई की जांच करो, ईडी की जांच करो कि एमएलए खरीदने के लिए और खरीदे गए एमएलए को बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में रुकवाने का पैसा कहां से आया, इस बात का जवाब दो। ये 63,000 करोड़ रुपए कहां से आया, 6300 करोड़ रुपए कहां से आया? ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के जो जनता की लूट चल रही है और उससे एमएलए की खरीद हो रही है ना, अब जनता इस पे जवाब मांग रही है, इसका जवाब दो कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के जनता को लूट रहे हैं। एक आदमी स्कूटर भी चला रहा है, छोटी सी स्कूटी भी चला रहा है, तो वहां भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं और फिर एमएलए खरीद रहे हैं, इसका जवाब दो ये कहां से आया। और आखिरी चीज जो सदन पूछ रहा है पिछले 2 दिन से कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री विनय सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए के नोट बदलवाए आपने जब आप खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे, वो 1400 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच कब होगी, वो मनी लॉन्ड्रिंग था, उसका जवाब दो कि उसकी जांच कब होगी, उसकी जांच में सीबीआई में उनकी रेड उनके यहां रेड कब होगी। इस बात का सबूत तो ये है कि कभी किसने बोला, शायद यहां किसी साथी नहीं बोला कि कैशियर ने कबूल किया है कि मुझे तो सक्सेना साहब कहते थे, विनय कुमार सक्सेना जी कहते थे जो कि चेयरमैन थे उस वक्त, कि भाई ये बदल दो, इसलिए बदले जा रहे थे, जांच में कबूल किया है, लेकिन उनके खिलाफ ना सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उनके खिलाफ सीबीआई, ये मनी लॉन्ड्रिंग था, खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग था नोटबंदी के दौरान, इस तरह का काम 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम उछल रहा है, इनके खिलाफ सीबीआई की जांच कब होगी, इनके यहां ईडी की रेड कब होगी, इस बात का जवाब दो। 3 प्रश्नों के जवाब, ज्यादा नहीं पूछ रहा, आज मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दें भारतीय जनता पार्टी वाले कि जीएसटी बढ़ा बढ़ा के दूध दही चाय बिस्किट पे भी जीएसटी बढ़ा बढ़ा के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे क्यों माफ किए जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दो, पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस का एमएलए को खरीदने का 5-स्टार खर्चों का पैसा कहां से आ रहा है,
ये सारा जवाब दो, ये सब बेईमानी का पैसा है, पेट्रोल और डीजल को के दाम बढ़ा बढ़ा के लाया जा रहा है। और तीसरा, उपराज्यपाल महोदय पे जो आज जो सवाल उठे हैं कि 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं वो, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दो। इन तीन प्रश्नों का जवाब दो, हम मान जाएंगे कि आपके पास जवाब है, नहीं तो पॉलिटिकल स्टैंड तो सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बैठिए बैठिए। अपनी सीट पर जाएं, सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर जाएं, अपनी सीट पर चले। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी अपनी सीट पर चले। चौधरी साहब, चौधरी सुरेंद्र जी अपनी सीट पर चले। सभी सदस्य अपनी अपनी सीट पर चले। सारा भारद्वाज जी करेंगे सीट पर चले। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में अपनी सीट पर चले। सब लोग अपनी अपनी सीट पर चले। अब सदन की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 31 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।